लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो वीडियो हो रहे हैं वो सवेरे हो रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ते जाइए मतलब क्या है, देखते जाइए, बार बार देखो, बाकी के वीडियो मत देखो, नहीं तो जाएंगे यूट्यूब में तो यादव धोटे महाविद्यालय का ही चैनल जो है आपको सब्सक्राइब करना है, उसको बहुत ही बार देखना है और उसको उसके जितने भी वीडियोस है उसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, बराबर है। ऐसे से इसमें से क्या होता है, आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिलता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी सोल्युबिलिटी डिसॉल्यूशन। बोलते हैं वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दुनिया की जितनी भी गंदगी है वो वाटर के अंदर समाती है, इसलिए वाटर को बोलता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जाहिर सी बात है, सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सोल्यूट अगर डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्वेंट और सोल्यूट के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा इंटरमोलेक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, या उसके अंदर एक इंटरैक्शन रहेगा, और वो इंटरैक्शन रहेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरैक्शन नहीं है तो वो सॉल्वेंट अपने अंदर सोल्यूट को नहीं संभालेगा, मतलब वो सॉल्वेंट सोल्यूट को अपने अंदर नहीं लेगा, उसको लात मार के ऊपर भगाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे ना, ऑयल इन वाटर, वाटर के अंदर ऑयल डालेंगे तो वाटर ऑयल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है क्या, मिसिबल कर लेता है क्या, नहीं, लात मार के ऊपर भेजता है। इसलिए ऑयल जो है वाटर के ऊपर में होता है और वाटर ऑयल के नीचे, दो लेयर दिखते हैं आपको। दैट इज द बेसिक डिफरेंस पोलर नॉन पोलर सोल्युबिलिटी का, वो फर्स्ट पेपर में हम लोग देखेंगे उसका, ठीक है। होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस जो भी है वो देखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे दैट इज द सोल्युबिलिटी। तो मैंने पॉइंट एक आपको बताया कि सोल्युबिलिटी अगर होने के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर क्या चाहिए बेटा, एक प्रॉपर इंटरेक्शन चाहिए, अच्छे प्रकार का इंटरेक्शन चाहिए। और वो इंटरेक्शन का नाम भी मैंने बताया आपको, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोई भी सॉल्यूट वाटर नाम के सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, देन देयर शुड एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ ए और सम काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन, एंड दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज ए इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नॉट दैट बार बार इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कह रहा है, इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं इंटरमोलेक्युलर बोल रहा हूं। तो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर क्या होना चाहिए, एक प्रकार का इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन रहेगा तो ये सोल्युबिलिटी रहेगी, अदरवाइज उसकी सोल्युबिलिटी नहीं रहेगी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, दैट बीजे बेटा, ये जो आपको अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के लोअर मेंबर यानी अप टू थ्री कार्बन आएगा, सो फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स दैट इज द लोअर मेंबर्स ऑफ फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स अप टू थ्री कार्बन एटम, सो दे विल हैव और दे विल शोस एन एप्रिसिएबल सोल्युबिलिटी इन ए वाटर सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट के अंदर आपका जो फिनॉल है, आपका जो अल्कोहल है, उसके जो लोअर मेंबर है अप टू थ्री कार्बन एटम, वो अपनी सोल्युबिलिटी थोड़े कम अमाउंट में, कम पैमाने में बताएंगी, बराबर है, कम पैमाने में, कम अमाउंट में बताएंगी, लेकिन सोल्युबिलिटी बताएंगी। वो सोल्युबिलिटी बता रहा है तो क्यों बता रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मैंने बताया आपको, यस, दे विल हैव एन एबिलिटी टू फॉर्म एन इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, नोट दैट। वो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के पास एक एबिलिटी है और वो एबिलिटी के तहत वो आपके वाटर के साथ क्या तैयार कर सकते हैं बेटा, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार कर सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा। उसके ऊपर के, अब ये इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर के अल्कोहल या फिनॉल ये मॉलिक्यूल वाटर के साथ इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों तैयार नहीं कर सकते, वहां पे भी फिर आता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर,
JEE का पार्ट है, तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर के वजह से हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली दे आर नॉट एबल टू फॉर्मिंग एन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, एंड दैट्स व्हाट अबाउट योर इज सॉल्युबिलिटी. ओके, तो नाउ सो लोअर वेपर ऑफ अल्कोहलाइड वाटर अप टू 3 कार्बन एटम, दे विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म एन इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द लोअर वेपर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर अप टू 3 कार्बन एटम विल शो द एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर. ओके, तो देखते हैं ये हुआ आपका अल्कोहल ROH. अब ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एक होना ही चाहिए किसके साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, यहां पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमने कौन सा लिया है, ऑक्सीजन लिया है. अब ये ROH ये अल्कोहल का हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया, यहां पे ऑक्सीजन किसका अल्कोहल का वाटर के किसके साथ हाइड्रोजन के साथ इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड देयर वन, दैट इज व्हाट अबाउट द योर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर. अब फिनोल की बात करेंगे, अल्किल ग्रुप के बजाय एयर ग्रुप, सेम वैसे हाइड्रोजन को डेल्टा प्लस ऑक्सीजन को डेल्टा माइनस और ये जो डॉट डॉट वाला जो बॉन्ड है दैट इज व्हाट अबाउट योर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा बेटा, दैट इज नथिंग बट योर यस सॉल्युबिलिटी. ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, एंड हेंस वी कैन से दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए corresponding alcohols and phenols is due to the formations of an intermolecular hydrogen bonding between alcohol and water. Okay, so this is what about your solubility. Okay.